हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक फ्लाइंग बॉल या फिर एक इमोजी बॉल, दोनों इसी के नाम है। और ये जो बॉल है बड़े ही कमाल की होती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो देखना, ये जो है घूमने लग जाती है और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये जो है हवा में जाने लगती है और अबे यार बच गई। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये ऊपर जाने लगती है और इसके नीचे एक सेंसर होता है, तो जैसे नीचे हम हाथ लाते हैं हम इसको हवा में भी रोक सकते हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये जो है कुछ इस तरीके से सिंपली हवा में उड़ती है, ये देखो, ठीक है, ऐसे करके ये हवा में उड़ती है। ओए 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 ओ अबे यार ये कहाँ गई, ओ तेरी अबे ओ हो भैया पेड़ में अटक गई। चलो कोई बात नहीं, तो भाई ये थी एक फ्लाइंग बॉल, उड़ के चली गई। तो मैंने सोचा, हमारे दिमाग में आया कि हमारा जो ड्रोन होता है उसके अंदर 4 प्रोपेलर्स होते हैं, ठीक है, और जो ड्रोन है वो भाई साहब बड़ा ही मस्त तरीके से उड़ता है। अभी उड़ना क्यों बंद हो गया, रुको, उड़ गया। तो गाइस जो ड्रोन है वो कुछ इस तरीके से उड़ता है, ठीक है, तो इसको जरा उतार देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम फ्लाइंग बॉल्स लें और उनसे ड्रोन बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारी फ्लाइंग बॉल्स, लेकिन ड्रोन के अंदर 4 प्रॉप्स हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 4। इसकी 1, 2, 3, 4 पंखुड़ियाँ होती है, तो सिंपली 4 कॉर्नर्स में इस तरीके से फ्लाइंग बॉल्स को रख करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको उड़ाने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हमारा फ्लाइंग बॉल से बना हुआ ड्रोन उड़ पाएगा, क्योंकि उसमें जो है 4 पंखुड़ियाँ हो जाएंगी, यानी कि 4 प्रोपेलर्स हो जाएंगे, तो वो जो है एक ड्रोन जैसे ही बन जाएगा। तो यही टेस्ट करता है कि भाई क्या फ्लाइंग बॉल से ड्रोन बन सकता है, क्या वो उड़ पाएगा या वो गिर जाएगा, ये सेंसर को हम कैसे काम करवाएंगे, उसका बैलेंसिंग भी बनेगा या नहीं, सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। दोस्तों चारों फ्लाइंग बॉल्स को ड्रोन का शेप देने के लिए आपस में जोड़ना पड़ेगा और स्टेबली फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एक ऐसी चीज चाहिए जो कि बहुत ही हल्की हो। तो यहाँ पर हमारे पास में है एक बांस का टुकड़ा, ये जो बांस की डंडी है इसके 4 फांक करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे और उससे इन चारों को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक चाकू की मदद से इसको आर पार काट सकता हूँ, ये हो गए भाई साहब 2, और अब इनका भी जो है 2 टुकड़ा करना पड़ेगा। तो भाई चारों जो है हमारे पास में बांस के टुकड़े तैयार हैं, अब इसको जोड़ेंगे यहां पर, कोई भी जगह अपन जोड़ सकते हैं और उसके लिए ग्लू गन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने लगाया यहां पर ग्लू और इसके ऊपर जो एक डंडी है उसको चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर 2 बॉल्स आपस में जुड़ चुकी हैं और फेविक्विक का यूज किया हमने, ग्लू गन से जो है बात नहीं बनी। अब जोड़ते हैं तीसरी और चौथी को भी इसमें। तो गाइज फाइनली हमारी जो फ्लाइंग मशीन है वो तैयार है, जो कि हमने बनाई है स्माइली बॉल से या फिर इमोजी बॉल से या फिर फ्लाइंग बॉल से, आप कह सकते हो। देखो ये जो है यार कितना प्यारा सा लग रहा है, जो इमोजी है वो भी यार इस पे स्माइल करते हुए हंसते हुए एक आंख बंद करके, क्या मस्त लुक लग रहा है। चारों जो है बांस की डंडी से अटैच हो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये फ्लाइंग मशीन एक्चुअली में फ्लाई कर पाएगी या फिर ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो भाई ये तो देखने वाली बात होगी। चलो इसको लेके चलते हैं। इसको मैं जो है सिंपली यहां पर फर्श पे रख रहा हूं और अब हम जो है इसको ऑन कर देंगे चारों को, बस और फिर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि चारों एक साथ ऑन कैसे करें। भाई साहब एक काम करते हैं, टेढ़ा करके ही ऑन कर लेता हूँ और फिर जो है जब चारों चल जाएगी ना तब छोड़ दूंगा, तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मुझे लगता नहीं हमारे पास है, ठीक है। तो ठीक है, ऑन कर रहा हूँ भाई। एक वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
तो भाई इस बार मिट्टी से थोड़ी मजबूती देने की कोशिश करी है फेविकिक के साथ में। अब करता हूँ चारों को ऑन, उल्टी उल्टी ऑन होगी यार, 1, 2, 3 एंड 4। और अब यार रुक गई है, तो चल के रुक गई, इसको और घुमाना पड़ेगा। ठीक है गाइस 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 चारों घूमने लग गई है। वाह देखो एक बार यार, एक बात है अभी क्या है गाइस चारों घूमने लग गई, हवा आ रही है भयंकर, छोड़ रहा हूँ इसको भाई, कहीं भी जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है खड़ा हो गई, छोड़ देता हूँ और छोड़ू यार, मेरा मन नहीं कर रहा इसको छोड़ने का भाई, डर लग रहा है मेरे को, वो तेरी तरफ आएगा, ये देखो उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो पीछे रहो, तुम पीछे रहो, उधर आ सकता है, पीछे जा। ठीक है छोड़ रहा हूँ, ये लो, और गाइस उड़ रहा है, अरे वाओ इसको रोक देते हैं गाइस, क्या बात है, ये जो सिस्टम है, ये उड़ा है और आ गया है मजा। भाई साहब मैं सही बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि ये जो है नहीं उड़ेगा, पंखड़ियां घूमेंगी पलट जाएगा, लेकिन यार हमारा हाथ से बनाया वो जो ड्रोन है वो क्या मस्त तरीके से काम किया है, इसको कहते हैं मजा, इसको कहते हैं सक्सेस, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है तो यहां पर एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सभी को ऑफ कर देता हूं, और अब जो है इनका वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि ये गिर चुकी हैं, अब ये वापस से नहीं चलेंगी। ठीक है ये दोन हो गई, तीसरी, ये चारों, और दो घूम गई, तीन घूम गई, चार घूम गई। तो गाइस अब इसको छोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ा उधर से छोड़ूंगा क्योंकि तो हवा इधर की चल रही है, और इन 3, 2, 1 गो। ओ शिट गाइस इस बार हमारा जो जुगाड़ है वो एक ड्रोन की जगह दो ड्रोन बन चुके हैं, और ये जो है ऐसा सेटअप बन गया, काम करते हैं, इनको इंडिविजुअली उड़ाते हैं। अब वो तो उड़ गया था यार, अब कमी यहाँ पर इन डंडियों की रह गई, ये जो है उतना बढ़िया से चिपक नहीं पाई, नहीं तो मुझे लगता है ये नीचे टकराता और फिर ऊपर उड़ जाता। देखते हैं कि दो के साथ क्या होता है जब हम चार को ना ले करके सिर्फ दो को ही लेते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, एक को ऑन किया, दूसरे को किया, और देखते हैं कि क्या ये उड़ पाएगा, मुझे इससे भी उम्मीद है, छोड़ रहा हूँ भाई। ठीक है ये लो, अरे वाह गाइस गाइस क्या बात है, क्या बात है, देखो हाँ इसमें सेंसर उड़ा, ओए 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 वो गया, ओए अबे तेरी, ओ शिट यार कहाँ कचरे में जाके गिर गया, ओ हो हो। तो भाई एक बार फिर से सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, दो का सेटअप है, बीच में पकड़ लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ये क्यों नहीं चला भाई, इसमें क्या हो गया हैं, चल गया। तो गाइस ये सिस्टम चल चुका है, छोड़ रहा हूँ इसको, हवा है यार मेरी साइड, हवा आ रही है, और ये लो, और टकरा गया इसका बैलेंस नहीं बना यार, उसका काफ़ी बढ़िया से बना था, अगर नहीं बनेगा तो उसको वापस उठा लाएंगे, एक बार देखते हैं फिर से, हाँ चल गया छोड़ रहा हूँ, ये लो, हाँ ठीक है ये भी गया यार गाइस एक बात है यार, उड़ता तो है ये, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये जो है नहीं उड़ता है, देखो इस बार इसके दोनों हाथ इसके नीचे रखने की कोशिश करूंगा ताकि इसका सेंसर को ये लगे कि नीचे कुछ है और वो ऊपर इसको ले जाए। ठीक है हाँ, अबे रुक जा हवा में घूम रहा है, एक काम करते हैं इसके नीचे कार्डबोर्ड रखते हैं, उससे उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो भाई दोनों को ऑन कर दिया, इस बार ये जो गत्ता है ना इसको रखूँगा इसके नीचे ताकि इसके सेंसर काम करते रहें, देखो जैसे ही लाऊँगा ना ये देखो रेस पकड़ता है ये, इसको लगता है नीचे कुछ है, टकराता नहीं है फिर, देखो चलो अब छोड़ रहा हूँ और इस गत्ते को रखूँगा इसके नीचे, ये लो भाई, ओए उड़ गया क्या बात है, यहाँ पर जो है गत्ते वाली ट्रिक भाई बढ़िया से काम करी। और यार आप लोगों ने भी दो प्रोपेलर्स का ड्रोन जो है वो तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज देख लो क्रेजी चीजें करना है हमारा काम और आपको भी दिखाना है। ठीक है तो यहाँ पर इसको फिर से कर रहा हूँ ऑन और छोड़ रहा हूँ, गत्ता नीचे रखूंगा, ये देखो ये उड़ रहा है, अब यार गया शिट। दोस्तों हम जो है खुले में आ गए हैं अब, और यहाँ पर नीचे गिरने का तो सवाल नहीं है, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है दो दो का ही उड़ा रहे हैं अभी, छोड़ रहा हूँ,
ये लो। और गाइस 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 देखो, अब ये जो है नीचे तो गिर नहीं सकता, उड़ते जा रहा है। अबे यार क्या बात है, क्या बात है, वो गया, अबे वो गया, ओए ये रुक नहीं रहा है भाई साहब। ये जो है कुछ असली फ्लाइंग मशीन यहां पर बनी है, देखा कैसे जो है उड़ उड़ के आ रहा है। एक बार फिर से करता हूं, इसको मेन रखना, ठीक है, उड़ाऊं, ये लो। देखो ये अपने आप घूमता रहेगा इधर उधर, देखो देखो, जल्दी जा जल्दी जा। अरे यार एक बार फिर से ऑन करते हैं इसको। गाइज यहाँ पर खेत में यार लिटरली मजा आ रहा है खुले में, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना नीचे नहीं गिरता। देखना दोनों चले, मैंने छोड़ा और देखो 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 देखो, वाओ गाइज देखो ये कितना बढ़िया से दोनों का जो सिस्टम है वो हवा में हवर कर रहा है। गाइज क्या बात है, देखो यार, और ये जो है नीचे भी नहीं गिर रहा। गाइज कमाल का ड्रोन बना है ना, और ये दो वाला है, और मुझे उम्मीद है कि चार वाला भी कुछ इसी तरीके से घूमता है यहाँ पे। और देखो कितना देर बाद जा करके इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा है। तो भाई साहब कितनी मजेदार चीज है यार। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको अबे ये क्या दिखा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस चीज के अंदर, और आज आपने कुछ नई चीज देखी होगी, डेफिनेटली नई चीज है ना। तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन ठोकना जरूर से बनता है यार, इस वीडियो के लिए लाइक बनता है, अभी कभी कर दीजिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।